Welcome to my channel ZR Tutorial. Hello everyone, in this video I am going to talk about heating effect of electric current. तो effects जो भी produce होते हैं electric current के ज़रिए से, पहली बात तो heating effect, दूसरी बात magnetic effect और तीसरा जो है वो chemical effect होता है जो कि electric current produce करता है. तो तीन इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, ठीक है. तो पहला इफ़ेक्ट हमें जो है इस पर बात करनी है, हीटिंग इफ़ेक्ट पे, जो हीटिंग इफ़ेक्ट है करंट का. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है हाई रेजिस्टेंस वायर से, जैसे नाइक्रोम वायर है मान लीजिए, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी जिसका रेजिस्टेंस हाई है इसका मतलब क्या है, उसमें जो करंट फ़्लो कर रहा होगा वो बहुत मुश्किल से कर रहा होगा. अब करंट फ़्लो मुश्किल से करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इट बिकम्स very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ, जब electric current flow करता है, pass किया जाता है high resistance wire से, जैसे nichrome wire है, तो वो resistance wire जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और उससे heat produce होने लगती है. तो इसी को हम heating effect of current कहते हैं, ठीक है. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ ऑब्टेंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी जो इस्तेमाल होती है टू ओवरकम फ्रिक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है रेजिस्टेंस वायर से. तो रोल जो है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर वो बिल्कुल सेम है जो कि मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का रूल है, ठीक है. तो वी विल नाउ इसके लिए जो है एक फॉर्मूला अगर हम देखें, ड्राइव करें, हमें क्या पता है, वर्क डन जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. और हमें ये भी पता है कि करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर ही होता है, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं. तो इसमें चार्ज जो होगा वो करंट इनटू टाइम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है. और हमें ओम्स लॉ से क्या पता है कि वी अपॉन आई जो होता है आर के बराबर होता है, तो वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा. तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है. हमें पता है वर्क डन जो होता है चार्ज इनटू टाइम के बराबर होता है और इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है चार्ज अपन टाइम के बराबर होता है. तो यहाँ से हम चार्ज जो है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इंटू टी हो जाएगा, और ओम्स लॉ जो है इसके बराबर होता है, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है. और अगर हम पुट करें ये दोनों वैल्यूज़ पहली इक्वेशन में, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को पहली इक्वेशन में पुट करूं, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन यानी W, वो हो जाएगा क्योंकि Q इंटू V के बराबर है, तो पहली इक्वेशन से Q की जगह पे हम I इंटू T लिख सकते हैं, और दूसरी तीसरी जो इक्वेशन है हम वहाँ से V की जगह पे I इंटू R लिख सकते हैं. तो इस तरीके से I इंटू I आई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आई आर टी, ये हो गया वर्क डन, ठीक है. तो एज्यूम कर लेते हैं कि सारी इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है और सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, ठीक है. तो वी कैन राइट जो कि हीट प्रोड्यूस हुई है इन प्लेस ऑफ वर्क डन इन दिस इक्वेशन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू, एच क्या है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है. और ये जूल्स में होगी सारी वैल्यू. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूले से हमें मिला है आई स्क्वायर आर टी, इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, ठीक है.
according to the Joule's law of heating, given by the formula H equal to I square RT, जो हमने ड्राइव किया था, ठीक है? तो it is clear that the heat जो प्रोड्यूस हुई है वायर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ द करंट, दिस इज एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड और प्रोड्यूस्ड। अब हमें पता है कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, तो क्या होगा अगर हम करंट की वैल्यू को डबल कर दें तो हीट क्या हो जाएगी? इफ करंट इज डबल्ड तो हीट, इस पे 2 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? तो हीट हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब ये है। और अगर हम हाफ कर दें तो ये 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से हीट जो है वो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो हीट जो है वो भी डबल हो जाएगा, और अगर हाफ करते हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्योंकि, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम के, ठीक है? तो अगर हम करंट की वैल्यू जो पास करवा रहे हैं डबल टाइम फॉर अ वायर, डबल द टाइम, तो हीट भी डबल हो जाएगी, और अगर टाइम हाफ है तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों सेम होंगे। अगर रेजिस्टेंस डबल है तो हीट प्रोड्यूस जो है वो भी डबल हो जाएगा, टाइम डबल है तो हमारा हीट जो प्रोड्यूस हो रही वो भी डबल हो जाएगा। तो नोट करने का बात यहाँ पे ये है कि सारे के सारे अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ वही कन्वर्ट कर पाएंगे जो कि जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है? जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे फ़ैन से, तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी उसको चलाने में, फ़ैन को चलाने में यानी और टर्निंग द फ़ैन, तो बहुत कम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। गर्म तो होता है पंखा, मगर बहुत कम, बहुत जल्दी नहीं होता, काफ़ी चलने के बाद होता है। तो ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है, जब वो काफ़ी देर तक चलता है। ऑन दी अदर हैंड जब इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करवा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है या कैटल है या फिर हेयर ड्रायर है, इमर्जन रॉड है या गीजर है, तो इन सब का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इनमें ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं ये हीट के अंदर। तो ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज हैव हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, और हीटिंग कॉयल हम कह सकते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस वायर के बने होते हैं, नाइक्रोम वायर के, विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है? अब इससे रिगार्डिंग जो है हमें कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है?